来穿过来。你要提出来，孙老师，也孙老师，孙老师，朱律师，咱们叫他朱律师嘛，给他子，你看一只房子，你看他都给不了嘛，那，哎呀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 ，लेकिन मैं भी मेंबर नहीं हूँ, कभी मेंबर नहीं बना है, ऐसा तो बहुत है आदमी, वो कहीं उसका अपना काम के लिए वो होटल एसोसिएशन बोल के लेटरेड और दो तीन कमेटी जाके कर सकता होगा, लेकिन सबको क्लब करके काम नहीं किया है। नहीं होगा ये बंद होने से दो टूरिस्ट सीजन को नहीं होगा, अगर ये दो घंटे में जो टूरिस्ट आ रहा है अगर उसको तकलीफ हुआ तो भावी पीड़ित में जो पीछे आने वाला टूरिस्ट है उसका हित के लिए उसका वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। वो अगर दो घंटा अभी वो सेक्रीफाइस करके अगर कहीं अटक गया वो तो करना पड़ा, तो पीछे अगले साल दो साल में जो टूरिस्ट आएगा ये सब होने यहाँ का सिस्टम ठीक होने के बाद वो एंजॉय करेगा, उसके लिए उसका एक वो सेक्रीफाइस रहेगा। जैसे चेकआउट का टाइम 11 बजे से यहाँ से जाते हैं टूरिस्ट, हाँ पिकअप टूरिस्ट है, तो आप 11 से 1 बजे का आप बंद रखे हुए हैं गाड़ी बंद, तो उस समय टूरिस्ट कैसे जाएगा? टूरिस्ट का हैम्पर नहीं होगा? टॉय ट्रेन नहीं होगा? नहीं होगा, उसके लिए हम लोग ये 7 दिन पहले से नोटिस दे रहे हैं। जो टूरिस्ट आप मेरे को बताइए, एनजेपी में आप गया, आपका ट्रेन पकड़ लीजिए दार्जिलिंग मेल 8:05 में, आप वहाँ चला गया, आप ट्रेन 3 घंटा लेट है, आप जाके किसी को बोल सकते हैं? चुपचाप प्लेटफॉर्म में रहेंगे ना, हाँ ट्रेन के लिए एक मिनट लेट मी फिनिश माई वर्क। तो जो टूरिस्ट यहाँ से जा रहा है उसको 2 घंटा पहले स्टार्ट करके यहाँ से टाउन से 11 बजे पहले निकलने से उसका दिक्कत नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो 1 बजे तो उसको जाना नहीं है, 12 बजे चेकआउट टाइम है, 1 बजे निकल सकता है, 2 घंटा पहले निकल के जाएगा, वो गाड़ी को हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, टूरिस्ट का कोई हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ जो आया हुआ मीटिंग में आने वाला गाड़ी जो आ रहा है वो गाड़ी चलाचल नहीं होगा। टूरिस्ट अगर 1 बजे जाएगा 12 बजे जाएगा हो जाएगा तो ड्राइवर को फिर वो प्रॉब्लम होगा क्योंकि मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग को सिर्फ साइट सीन के गाड़ी को आप लोग 2 घंटा बंद रखने के लिए बोल रहे हैं? ना साइट सीन वाले और जो पिकअप ड्रॉप का जो आ रहा है गाड़ी वो 2 घंटा के लिए एडवांस में या तो कोई डिपार्चर में थोड़ा लेट करके भी एक एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें देखिए दूसरा चीज़ यहाँ पर सब जितने भी गाड़ी चलता है ये भी हम लोग का एसोसिएशन का अंडर नहीं है, दूसरा एसोसिएशन का अंडर नहीं है, झपका बोलता है वो सीजन में निकलता है, कहाँ कहाँ का गाड़ी आता है वो सीधा आके कोई होटल का साथ सेटिंग रहता है वो जाता है, एक्चुअली डार्जिलिंग कंजेशन कहाँ हो रहा है? तो दार्जिलिंग हम लोग का यहाँ का जो लोकल सिंडिकेट चल रहा है उसका वजह से दार्जिलिंग से कंजेशन नहीं हो रहा है, जो कल सिलगुड़ी से बुकिंग होके जो झपका गाड़ी आ रहा है होटल का साथ सेटिंग है, पहले देखिए होटल का मालिक आके यहाँ स्टैंड में गाड़ी माने बुकिंग करके लेके जाके टूरिस्ट के भेजता था 1 मिनट, अभी बर्तन धोने वाले का पास भी गाड़ी है, वो मैनेजर का भी गाड़ी, हर का गाड़ी है, तो वो लोग का साथ सेटिंग है ना। आप लोग 7 दिन आगे अपने आप बताया कि नोटिस 7 दिन आगे दिया, तो 7 दिन आगे आपने क्या क्यों और किस लिए करे? ये दार्जिलिंग में जिस तरह से अभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, कंजेशन इतना हो गया, पॉपुलेशन इतना हो गया, सीजन टाइम में दार्जिलिंग का खाली गाड़ी चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीजन में दुनिया भर का बाहर का गाड़ी भी आता है, तो यहाँ पर कोई सिस्टम में कोई चीज़ भी नहीं है, चाहे प्रशासन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं है, जनता भी नहीं है, हम लोग एसोसिएशन कोई भी सिस्टम में चलने वाला नहीं है, तो ये सिस्टम में चलाने के लिए सिस्टम में सबको चला के हर चीज़ का माने ठीक करके टूरिज्म भी कैसा अच्छा से प्रमोट हो, टूरिस्ट को कैसा सुविधा हम लोग दे सके, ये सब ठीक करने के लिए ये हम लोग एकत्रित करके कल 2 घंटा बंद करके खाली हम लोग ड्राइवर लोग जो गाड़ी चला रहे हैं वो लोग मीटिंग अटेंड करेगा, सुबह गाड़ी लेके आएगा, मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर वो गाड़ी चला जाएगा, जो साइट सीन में जाने वाला गाड़ी है उसको हम लोग सब बोल चुका है कि सुबह आप जाके टूरिस्ट को उधर छोड़ दो, साइट सीन में घूमेगा, 2 घंटा जो गैप है उस टाइम में या तो सुबह जल्दी करके होटल में लाने का या तो साइट सीन करेंगे, 2 घंटा कहीं ब्रेक देके उसको कंटिन्यू करने के लिए हम लोग बोला है। जैसे सिलीगुड़ी से भी गाड़ी आता है, हाँ तो वो गाड़ी क्या? सिलगढ़ी से जितना भी गाड़ी आता है, सिलगढ़ी भी जो गाड़ी आता है वो भी तो टैक्स देता है, वही टूरिस्ट लेके आता है, वही गाड़ी टाइगर भी जाता है या साइट सीन भी करता है, जो साइट सीन नहीं करता है तब भी वो दार्जिलिंग सिलगढ़ी तो कर रहा है ना, तो उसको भी तो गाड़ी तो चलना पड़ेगा, पार्किंग में तो गाड़ी रखना पड़ेगा,
तो उसका भी हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए कल जो टूरिस्ट लेके आ रहा है, अगर वो 11 से थोड़ा लेट भी आया तो उस टूरिस्ट का जो अपना लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक उसको छोड़ने के लिए हम लोग बोला है, ताकि टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप इसके बारे में क्या करें? इसका तोड़फोड़ का माने, ये पहले बीता हुआ दिन में हम लोग का ऐसा मीटिंग हुआ था, या अभी मैंने नेपाली में तो बताया था, हम लोग 2004 या 5 में हमने सिलगढ़ी में एक बड़ा मीटिंग रखा था बस का। तो यहाँ से हम लोग 18 बस यहाँ का जितना भी हम लोग मेंबर है ओनर है हम लोग को कन्वे करके उधर गया था। वो एक दिन हम लोग एक बंद किया था, तो जैसे हम लोग तिंदारे में घुसा था तो वहाँ का जो लोकल पॉलिटिकल लीडर है GNLF का, वो लोग ने पूरा गाड़ी को पूरा डैमेज कर दिया, पब्लिक को भी पूरा पत्थर मार के नुकसान कर दिया। और बीच बीच में भी ऐसा कहीं मीटिंग होने से कोई दूसरा थर्ड पर्सन जो एंटी सोशल एलिमेंट भी या तो हम लोग का कोई ऑपोजिशन वाले भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर व्हीकल्स हम लोग सब अलर्ट किया है कि कोई भी अपना गाड़ी नहीं चलाने का, ताकि कोई अगर कोई राउडी भी अगर कोई गंडागोल करेगा नुकसान करेगा तो अपना नुकसान ना हो, ये हेतु से हम लोग किया है। इसमें कोई पब्लिक हम लोग हैरेस करने के लिए नहीं किया।